बाबूर प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। आज है हमारा पेशा स्पेशल। आज जोड़ियां कौन कौन से नए गोरख धंधे दिखाएंगी, चलिए देखते हैं उसकी एक झलक। जब मे के बाद का जमाना आएगा तो पूरा कॉमेडी सर्कस काम ढूंढने में लग जाएगा। अब हम तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़, लेकिन जो बैठे बैठे कमाती हैं उसका क्या होगा हाल? ये दिखाने आ रहे हैं राजीव ठाकुर एज अर्चना, सुहासी एज डायरेक्टर एंड रुचा एज अ डेली सोप एक्ट्रेस। सुहेल, पता है ये कॉमेडी सर्कस के आर्टिस्टों में बहुत परेशान हूँ। जब देखो अर्चना बन के आ जाते हैं, खासकर कृष्णा भारती जी ठाकुर। कृष्णा तो फिर भी ठीक है, जब भी साड़ी पहन के निकलता पीछे से कम अर्चना तो लगता है, लेकिन ये भारती, ये क्या सोचकर अर्चना बन जाती है ऊन का गोला? अर्चना पूरन सिंह कम, नुसरत पूरन सिंह ज्यादा लगती है, लेकिन भारती तो फिर भी मेरी आवाज निकाल लेती है ठाकुर। ये क्या सोचकर बन जाता है? तो वो बन गया। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है मई के बाद की, क्योंकि मैंने बहुत लिंक बना के रखे हैं। 6-6 महीने फालतू में मसाज नहीं किया था, अभी काम हासिल कर लूंगी। टिंग 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 टिंग। हेलो सोहेल, मुझे शेर खान में ले लो। हेलो हेलो, मई का महीना क्या आया, फोन तक नहीं उठा रहा। फोन उठा लेता कम से कम बात तो हो जाती, क्या करूं। हाँ मुझे याद आया, ये डेली सोप वाली आर्टिस्ट शुमोना मुझे बोलती थी कि कभी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। हेलो हेलो कृष्णा, तू उसकी वैरायटी में क्या कर रहा है कमीने, एक-एक करके वहां तक पहुंच गया था। शुमोना का फोन दे। हाँ शुमोना, मैं अर्चना। एक गाली को दे रही है। हाँ हाँ बेबी, कसम से कॉमेडी सर्कल में सबसे अच्छी कॉमेडियन मुझे तो ही लगती थी, सच्ची बोल रही हूँ, मुझे तो अभी भी तेरी बातों पे हंसी आ रही है। ठीक है प्लीज प्लीज, एक काम कर दो, तुम उनसे बात करके रखो, मैं ऑडिशन दे के काम लूंगी। हाँ हाँ करो करो, ठीक है मैं सेट पे जाती हूँ। थैंक यू शुमोना, सेट पे जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ कहीं। अरे जून का पहला हफ्ता शुरू हो गया है, एक एपिसोड भी रेडी नहीं है, मैं क्या चैनल को क्या बोलूंगी क्या? हेलो, हाँ शुमोना जी, हाँ आप किसी आर्टिस्ट को भेज रहे हैं? हाँ रोल के लिए? हाँ हाँ ठीक है, आपने कह दिया ना, मतलब हो जाएगा। हाँ कौन हो? मुझे नहीं पहचाना। थैंक यू अर्चना, मैं 5 साल तक कॉमेडी सर्कल में जज रही हूँ। जज? उसे जज नहीं कहते, महंगी वाली ऑडियंस कहते हैं, जिन्हें 2 कुर्सियां अलग से मिलती है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक्टिंग में चांस दे दूंगी, तुम्हें ऑडिशन देना होगा। हाँ तुम सास हो, तुम्हारी बहू वहाँ से चाय लेकर आ रही हो और तुम चाय पीने से इनकार कर देती हो। सीन चेंज करो, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। मैं तो कहती हूँ चाय के साथ 1200 बिस्किट भी मंगा लो, मजा आएगा। अरे अरे तुम चाय नहीं पियोगी क्योंकि तुम्हारा व्रत है। व्रत में मना करते हैं? हाँ। क्या बात कर रही हूँ, मैं तो करवा चौथ में भी 4 टाइम खाना खाती हूँ। कोई और सीन करो, मुझसे ये सीन नहीं होगा खाने पीने वाला। तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम जानते हो तुम्हारी बहू कौन है? जानता हूँ, जो नहीं आई है वही है कमीनी। उसे कमीनी कह रहे हो? इज्जत से बात करो, मैडम आती ही होंगी अभी। मैडम आती होंगी तो आने दो, मैं उस मैडम से डरती हूँ क्या? छू! अरे पांव! अरे खड़े क्या हो? तू कहाँ बैठू? मैडम के लिए चेयर लेकर आओ, कुर्सी। मैडम के लिए मैं चेयर? इसके लिए चेयर लेके आऊं? ये तो हमारे कॉमेडी सर्कस में आई थी रुचा, डायलॉग बोलती थी, वही हो ना तुम? हाँ दादा, ये मेकअप दादा को किसने रखा है? मुझे मेकअप दादा बोल रही है, मुझे? तू जानती नहीं है इस सीरियल में वो मैं वो 11वीं मेन लीड कर रही हूँ। देखो 11वीं मेन लीड नहीं होती, उसे जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं। जूनियर आर्टिस्ट मेरी बेइज्जती करेगा? डायरेक्टर यहाँ तो इसी में ये काम करेगी या मैं करूंगी, बस। ठीक है तो आप निकलो यहाँ से। मैं कोई भी सीन करने को तैयार हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। मई का महीना क्या खत्म हुआ कमीनो, तुम भी रब मेरे। ये तुम्हारी टांगे बड़ी चिकनी है, कहाँ से शेव कराती हो? और ये तुम्हारी बहू है, तुम सास हो और तुम्हें इसके पाँव पकड़कर रोना है, गिड़गिड़ाना है। मुझे इसके पाँव पकड़कर रोना? देखो सीन करवाओ, कॉमेडी सर्कस की खुन्नस मत निकलवाओ यहाँ पे।
ये सीन मुझसे नहीं होगा। ठीक है तो तुम्हारा पति मर गया है, उसकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी हुई है और रोना आ रहा है तुम्हें। रो, तुम रो, रो के दिखाओ, तुम उसका चेहरा देखो, महसूस करो इमोशंस एंड एक्शन। तुम्हें नंबर नहीं देने, तुम्हें रोना है। मैं क्यों रो? अब जिसको 7 नंबर मिले वो रोए बैठ के। रोना नहीं आ रहा ना, बस हंसना ही आता है। आया ना अभी ऊंट पहाड़ के नीचे, रोना कितना मुश्किल है पता चला। रो अभी। मैं नहीं रोती, मैं अभी अपना काम सेट कर लूंगी। एक मिनट रुको तुम जरा। टिंग 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 टिंग। हेलो, हाँ निकुल, मैं अर्चना। मई के बाद मुझे एक बात याद आई, मैं तन्ने प्रेम कर छू। सच्ची बोलती छू, काम देता है मेरे को कि तेरे पीछे कुत्ता छोड़ू छू। क्या तेरे पास भी काम नहीं है? कांडे, तूने फोन क्यों उठाया? एक तो तेरे पास काम नहीं है, ऊपर से निक्कर पहन के घूमता है इधर, तो एक तो ट्रॉफी पहन के घूमता है, मेरी तरह विक नहीं खरीद सकता। बेड़ा कर को तेरा, स्टॉप इट। हो गया, देखो ये सब कह के तुम अपनी ही बेइज्जती करा रही हो। हाँ तो मैं एक्ट में आया है, सच में थोड़ी आया जो डायरेक्टर की बेइज्जती करके अभी अपना काम कर लो। अब या तो रो या यहाँ से निकलो। मैं नहीं रो सकती, अर्चना की तो पहचान हंसी है, मैं कैसे रो सकती हूँ? अर्चना को रुलाने के लिए तो 11 आर्टिस्टों के एक्ट पीछे लगे हैं, लेकिन अर्चना को रुलाना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। हेलो, हाँ विपुल बोल, क्या पेमेंट नहीं मिलेगी? अर्चना को दो ही चीजें रुला सकती, सिर्फ सीसीए जो हंसा सकता है और सीसीए जो रुला सकता है। अर्चना आपको ये एक्ट कैसा लगा? छू, आई लव द कॉन्सेप्ट। टोटल इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्चना इन दिस एक्ट वॉज डिफरेंट एंड इट वॉज फनी। तो राइटर्स को मैं दाद देना चाहूंगी, राजीव ठाकुर यू वर सुपर्ब टूडे, सुहासी यू वर वेरी गुड, रुचा आपको करने के लिए कम था इस एक्ट में, लेकिन जो भी था आपने बहुत अच्छा किया। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एक्ट, लेकिन राजीव फॉर यू स्पेशली। सुहेल, सुहासी यू आर फैबुलस एज इट इज। मुझे लगता है कि राजीव जो है एक लाउड एक्टर है, आज उसने जो अर्चना को प्ले किया हुआ है, मतलब ही हैज टेकन अर्चना ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली। एंड Rucha, you are pitted with the most talented actors on comedy circuit. In fact, Hindustan mein jitne bhi, mujhe sincerely lagta hai ki kafi ek shows hue hai, ek show ke liye, ek dusre ek show ke liye bhi mujhe ek judge ke haisiyat se pucha gaya tha, lekin wo mujhe lagta hai ki 4 hafte mein hi band ho gaya. It was not because of, I think it is ultimately is a talent that we have on comedy circuit, and that's what's making comedy circuit survive for the past 5 years. Which I think as a team you guys are working together, which is fabulous. But, mere bhai, again, you were somebody who supported your teammates and you came across as one of the undisputed fabulous actors that we have. So judges, aap is act ko kitne points denge? Suhail? 9 points. Archana? 10 points. शादी से लेकर मौत तक के सामान की दुकान खोली है मंत्रा ने। देखें किसे मंडप पहुंचाता है और किसे शमशान। प्लीज वेलकम मंत्रा एज चूरमा भोपाली विद अनूप एंड दिव्यांका एज हिज कस्टमर्स। तीनों हजरत नाची इसको चूरमा भोपाली कहते, जुम्मे राती में रहते हैं, जहां से हाथ डाल देते
वहाँ से फाट डाल देते के दे रहे पहले से। देखो मियाँ, मेरे अब्बू ने मेरे को एक चीज बतला रखी थी, उनने बोला था कि दो ही जगह इंसान सबसे ज्यादा खर्चा करता है, एक शादी में और एक अपनी मैयत पे। तो अपनी ये दुकान वो हमारे नाम छोड़ के गए हैं, लकड़ियां बेचना हमारा पूछते नहीं काम है। सब मोह माया है वैसे तो यहाँ पे, और हमारे यहाँ मोह और माया दोनों के ही सामान उचित दरों पे मिलते हैं। जिसको आके ले जाना ले जाओ मियाँ। क्या हो गया मियाँ, इतने उदास लग रहे हो, कोई खुशखबरी है? जी वो मेरे चाचा। हाँ, चाचा निपट लिए रे। चाचा निपट गए, निपट गए, निपट गए। अरे कुछ नहीं हुआ है हमारे चाचा को, वो तो घर में बैठकर बीड़ी सुलगा रहे हैं। एक बात तो बतला, जब तेरे चाचा निपटे नहीं है तो ये फोकट की ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? अरे हम तो आपसे ये कह रहे थे कि हमारे चाचा ने आपके पास हमें भेजा है सामान लेने के लिए, हमारी शादी तय हो गई है। हाँ थोड़ा तो मैयत वाला, शादी तय हो गई कैसे? वो इसलिए क्योंकि हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं। हाँ तो लड़की को जाके अपना चेहरा दिखा दे, वो अपने आप सारा मामला वही रफा जमा हो जाए। लड़की ने हमें पसंद कर लिया है चूरमा भाई। अंधी होगी आप, सुनिए ना, दो महीने बाद हमारी शादी है। दो महीने? कसम उड़ान झल्ले की, चूरमा एक बात बोल लिया, याद रखना जो भी करना अभी कर ले, शादी सुहागरात बच्चे, क्योंकि मई के बाद शादी नहीं बर्बादी होनी है। हाय 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 अनुप, चलो गया खत्म कर, नंबर मांग। हाँ भाई ठीक है भाई, अब तो सुहेल भाई एनर्जी के 10 तो दे ही देंगे, बाकी अर्चना अगर 8-9 दे दें चलेगा, जो भी है ना। एक्सक्यूज मी, बड़े बेशरम लोग हैं आप। मैं बेशरम तो तुम हो, कपड़े ऐसे पहन के आई और हमले बोल लियो कि हमें बेशरम। मेरे चाचा। अरे कुछ नहीं हुआ चाचाओं को, साले सारे चाचा साबूत बैठे हैं इधर। अब क्या मजाक सूझ रहा है यहाँ, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आवाज 3 एपिसोड हुए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। एक मिनट, ये डायलॉग के हिसाब से और शक्ल के हिसाब से ये तो सिद्धार्थ को बोलना चाहिए था ना। हाँ मैं, तुम ऐसा मत बोलो, भोलेपन में तुम भी उसके फुफेरे कॉम्पिटिशन लगते हो। अच्छा तुम क्या कह रही थी बेबी? मेरा कहने का मतलब मोहतरमा, क्या हुआ, क्यों मुंह दिखाने लायक नहीं रही तुम? मेरे चाचा मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ कर गए साले। जैसे भी थे मेरे चाचा, अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा ना। पड़ेगा, अब जल्दी करो ना, डेट पे जाना है। हाँ तो तुम्हारे लिए मैं कम इंतजाम कर देता हूँ, ये 2 मन लकड़ी ले जाओ, 2000 रुपए। 2000? नहीं चाचा, तो दुबले से थे, 2 मन क्यों? अच्छा तो 1 मन ले जाए 1000 में। 1000? चाचा बोने थे। तो माचिस की तीली ले जा, उस पे ही जला देना चाचा को। साली आपको बुरा ना लगे तो मैं इनको शादी का सामान दे। मेरे चाचा वहां मरे पड़े और आपको अपने शादी के सामान की पड़ी हुई है, वो तो बेचारे कुवारे निकल लिए। अब देखिए, अगर आपके चाचा कुवारे मर गए तो मैं क्या सिंदूर लगा के उन्हें सिड्यूस करूंगा क्या? मैं क्या करूं? अबे चुप, हम ये कहते हैं दोनों को सामान देता हूं, बतलाओ क्या क्या चाहिए। मुझे एक मंगलसूत्र दे दीजिए। और मुझे चंदन की माला। ये लो मंगलसूत्र पकड़ो अपना। अरे मैं क्या करूंगी मंगलसूत्र का? अरे चाचा को पहना देना, मरने के बाद कम से कम शादीशुदा वाली फीलिंग आएगी। कफन दे मेरे को। आप मुझे एक शेरवानी दीजिए ना। एक शेरवानी दीजिए। पहले कफन और शेरवानी, ये लो पकड़ो कफन। अरे मुझे कफन क्यों दे रहे हैं आप? अबे तू शादी करने जा रही है, सर पे कफन बांध के निकल, वरना बहुत टेंशन हो सकती है। काम आएगा रख ले। सुनिए चूरमा भाई, आप ये सब छोड़िए, आप हमें सिंदूर दीजिए बस। सिंदूर? 1 सेकंड रुको, कहां रहिए, ले सिंदूर पकड़। ये सिंदूर तो लाल रंग का होता है, ये आपने क्या दे दिया हमको? देख ला। अरे ये शिलाजीत है बेटा, ये रहेगा तो सिंदूर खुश रहेगा। मेरी बात मान। अरे लोग तो 10-10 किलो लेके जाते हैं सिंदूर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिलाजीत की 100 ग्राम की डिब्बी ले जाओ, हर साल 3-3 बच्चे होते हैं, वो भी साल दर साल। क्यों पिंकू, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, अरे इसको तो इतनी आदत पड़ गई है, तबले पे पाउडर की जगह शिलाजीत मल के लगाता है, तबले में से सेक्सा फोन की आवाज आती है जोर से। मुझे ना पाव भर लकड़ी दे दो। एक सेकंड, पाव भर लकड़ी? हाँ। क्या मुट्ठी में जलाएगी चाचा को अपने? चूरमा भाई आप हमको सेहरा दीजिए। एक सेकंड, सेहरा भी दे रहा हूँ, ये ले सेहरा पकड़ो। एक काम करना, तू लगे हाथों ना मुझे घोड़ी भी दे दे।
घोड़ी क्यों है? मतलब जिस तरह से तूने मेरे चाचा का साथ सिंगार किया है, मैं सोच रही हूँ उन्हें लकड़ी पे जलाने के बजाय घोड़ी पे ही जला दूँ। सुनिए सुनिए, अगर घोड़ा आप लेकर चली जाएंगी तो हम क्या शादी अपनी शमशान घाट में रचाएंगे? एक सेकंड रुको रुको। हाँ गफूर, हाँ चूरमा बोल रहा हूँ। अरे बहन की शादी फिक्स हो गई। बहन की शादी फिक्स हो गई, बहुत बढ़िया सामान है। खुशी से दादी मर गई। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। भाई ऐसा है कि अब हम दोनों से ज्यादा इस सामान की आपको जरूरत है। और भाई हमारी जरूरत का सामान आपके पास पड़ा है। जिस तरह का एक्ट हमने किया है, पता नहीं क्या सामान मिलेगा, मौत का या फिर मौत का। सोहेल अगेन यार, मंत्रा इसको बोलते हैं क्या, एंकर एंड नो ऑफेंस एज पार्टनर्स बट सपोर्टिंग, यू ऑल वर फैबुलस। आजी, इट वाज नॉट कंप्लीटली देयर एज फार एज द राइटिंग इज कंसर्न, बट देयर वर सम लवली ब्यूटीफुल वेरी फाइन पंचेस एंड आई रियली लाइक इट, लेकिन द परफॉर्मेंसेस डिड इट फॉर मी। आजी, आप इस एक्ट को क्या स्कोर देंगी? 9 points. अपने खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बनाने सिद्धार्थ गए हैं एक ब्यूटी पार्लर में। प्लीज वेलकम भारती एंड पूर्वी एज ब्यूटी पार्लर वाली एंड सिद्धार्थ एज देयर कस्टमर। हेलो हेलो आंटी, लेट मी इंट्रो माई सेल्फ जिगना जामनगर है, फ्रॉम जामनगर। मेरे को ना बचपन से ही ना मेकअप का बहुत शौक था, यानी गांव का ना सारा मेकअप मैं ही करती थी। गांव का मैं यानी सबका, यानी मेरा वो बाप है ना उसका तबेला था, तबेले में जो भैंस रहा ना उसका सारा मेकअप मैं ही करती थी। उनका भैंस का जो सिंग होता है स्ट्रेटनर से सीधा करती थी, लाली लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी। ओ माई गॉड, फिर मुझे लगा हाय हाय जिगना, तू अगर भैंस का मेकअप कर सकती है तो ये लोग तो इंसान है। बस फिर मैंने बैग पैक किया, जामनगर छोड़ा और मुंबई में आ गई, और फिर मुझे मुंबई में जॉब मिल गई टकाटक ब्यूटी पार्लर में। थैंक्स। और फिर ब्यूटी पार्लर में मुझे मिली मेरी गुरु, मेरी ब्यूटीशियन, द ऑनर ऑफ द पार्लर, मैडम पम्मी। इतनी अच्छी मैडम है, नेचर तो बहुत अच्छा है लेकिन देखने में भी इतनी ब्यूटीफुल, एकदम ऐश्वर्या राय फेस, एकदम या ब्यूटी ब्यूटी। अर्चना सोहेल, यू वांट टू सी द पम्मी मैडम? यस प्लीज। यू वांट टू सी हर? प्लीज। ओके। कितनी सुंदर हो मैडम, आई लव यू, आई एम अ फैन ऑफ यू मैडम। हेलो, वेट, वाओ मैडम, मुझे भी ऐसी अदाएं सिखाओ ना। शट अप। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज बलविंदर, ऑनर ऑफ दिस पार्लर एंड यू कॉल मी पैम एंड गोयल, ओनली यू टोल्ड मी पू। ये मेरा ब्यूटी पार्लर है, मैंने तई लोदो तो इधर थूप थूल बनाया है। हेलो, यस मैडम, अतितन, यस, बम दिखाओ। हेलो, यस मैडम, बम नहीं, एल्बम। ओह नो, आज फिर शेर खान की कास्टिंग का मौका हाथ से चला गया। ओह गॉड, जल्दी। ओके ओके, तो लेडीज और जेंट्स, हमारे पार्लर में मेकओवर के लिए ये आए थे, और फिर पम्मी मैडम ने ऐसा मेकओवर किया कि अब वो ऐसे दिखते हैं। Fantastic! उसके बाद ये आए थे, इनको देख के हम दोनों बहुत डर गए, लेकिन फिर पम्मी मैडम ने बोला 1 मिनट आई डू योर मेकओवर एंड आफ्टर दैट माइंड ब्लोइंग। जब ये आया था तो मैं बहुत खुश हो गई थी, इट्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। तो फिर पम्मी मैडम ने बोला 1 मिनट आई मेक ओवर यू एंड देन
थैंक यू। और फाइनली ये मैडम का ना ये पीस जो मैडम ने किया है, ये जब पीस मैडम ने किया ना मैं इतनी डर गई। ये वैसे बहुत डरावनी है, बहुत भयंकर है, लेकिन मेकओवर के बाद हेलो चितन, हमने तुम्हें तो ये पाल तोला है। यस नितिन, अभी तक तो ही तत्म नहीं आया। प्लांट थी बेल। कैसे बेल पहचाना मेरे को? मैं फिर से आई कॉमेडी सर्कस में। आई लव कॉमेडी सर्कस, आई लव कॉमेडी सर्कस। जी करता आज पहला पावा, कभी नच नच के कभी पच पच के, कभी पच पच के कभी नच नच के। सोहेल में मेरे दिल कहता है, सोहेल मेरे दिल कहता है, मेरे पीछे 100 लड़के भागे, मैं उनके आगे भागूं, वो मेरे पीछे भागे, वो मेरे नजदीक आए और मैं उनको ऐसे करके गिराऊं और सारे मुझ पे गिर पड़े। हेलो ट्यूड में, इधर क्या करने आयो? टकाटक पार्लर यही है? हाँ 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 यही है टकाटक पार्लर। क्या नाम बोला? टकाटक। फिर से बोलो। टकाटक। बोलते रहो टकाटक। बोलो बोलो बोलो। ए, क्या है तुम भी एडल्ट बात करते हो यार, क्रेजी। टकाटक जी, इधर क्या करने आयो? इधर सिर्फ मेकअप होता है। क्यों? अरे जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, वाह वाह तो बोलो। वाह वाह। अरे जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, हम ठीक तरह से बैठ सके इसलिए भगवान ने हमें दो। तुम इधर मेकअप के लिए आए हो? हाँ, मैं क्या है ना, वो मालूम है 6 दिन बाद ना मेरी शादी है, तो मैं मेकओवर करने आई हूँ। ये देखो मेरे को बिल्कुल इसकी तरह बनना है। आप बैठो ना प्लीज। okay. हम आपका चालू करते हैं स्टार्ट ऑफ द मेकओवर। ओके, सबसे पहले हम आपका हाथ का क्लीनिंग करेंगे। ओके okay. और हमारे पार्लर में सब बहुत हाइजीन होता है, एकदम एकदम सब सीम, एकदम सब क्लियर होता है। okay. आप सबसे पहले ना अपना इसमें डालो हाथ। एंड ये क्लीन है ना वाटर? अरे हमारा वाटर एकदम सुपर क्लीन है, डालो। निकालो निकालो हाथ। ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस मैडम। आज मुझे समझ में आया सजाए काला पानी किधर से शुरू हुई थी। हेलो। ये बेकार की बात है थोड़ो। सॉरी। और उसके फेक के लिए तुम क्रीम क्या आता रहो? ओके। मैं इसके फेक को स्टीम देती हूँ। ओके मैडम, आप स्टीम दो, मैं क्रीम ऐड करती हूँ। स्टीम दोगी? आई लाइक हॉट, मुझे पूरे बदन को स्टीम देना। अरे ये क्या, तुम मुंह से स्टीम दे रही हो? हेलो, तू कर गलो मैं मुंह से दे रही हूँ वरना। ए मशीन से देते हैं वो खराब है। अरे क्या तुम लोग इधर टाइम पास कर रहे हो, मेरे को लेट हो रहा है, कुछ कर रहे हो? एक मिनट मैडम, मुझे लगता है इनके लिए आपका नंबर वन डेंजर मेकओवर करना पड़ेगा। डेंजर मेकओवर। उसमें क्या करते हैं? पहले तो अपना मुंह खोलो, एक कैंडल डालो, बंद करो। मैडम इस बार ना, इस बार आप कैंडल बुझा के ही काटना, लास्ट टाइम आप भूल गए थे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है, आई एम फ्री। काय को डरता है इतना, काय को डरता है? ये कैंडल वेक्स के लिए, क्या ना अर्चना मैंने से कैंडल रखता है उसमें से वेक्स गिरता है, वेक्स गिरता है तो मैं इसे खोबा में लेता है, फिर आपके हाथ पे ऐसे वेक्स डालता है। और उसके बाद कपड़े से निकालते हैं? नहीं नहीं, उसके लिए तो रेजर है ना। और फिर कपड़ा क्यों वैक्स क्यों? ऐसे ही फॉर एंटरटेनमेंट लाइक अ जोक्स। अरे क्या यार, किधर ले गए मुझे? अरे तुम लोग को कुछ आता नहीं है, टकाटक नहीं है, ठकाठक है ये सब, ये ब्यूटी पार्लर। एक तो जामनगर से आई है कोई गुजराती, और ये तोतली भैंस कहीं की। हेलो हेलो करती है, तेरा फोन ही फोड़ दूंगी। किधर है फोन, मेरे को बता तेरा। लगता मुद्दो तानी तू नानी। अरे दीदी दीदी दनम हदल नहीं दवा तार लगे मुद्दे दो अब क्या दाने तो तीर का नताया। अरे दादा दरवाजा दरवाजा वो आ जा
रही है मैं लेते। नहीं मैडम, मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपने जो कुछ भी बोला मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ। ए! What are you doing? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, हटो। हेलो, आपके ब्यूटी पार्लर में कुछ और भी तो बोलो मुझे को, लेकिन वो नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? हेलो पॉइंट दे दो अभी। तो दादे, आप तो समझ में आया, इन्होंने हाथ में त्याग दिया। हेलो तू समझ नहीं आया? और अतितंत? यस मैडम। मैं बहुत सारा थैंक यू। मैं मनी प्लांट की बेल। माय फेवरेट शेर ऑफ द वर्ल्ड इज मैं मनी प्लांट की बेल। लेकिन जितना भी किया आपने बहुत बढ़िया किया। एंड भारती हेलो, वाह, यू आर जस्ट थ्री ऑफ यू। आपको कैसा लगा? ये उन एक्ट्स में से है क्या? थोड़ा सा कॉमेडी क्वेश्चन इतना नहीं था। आपके कैरेक्टर्स जो आप लेके आए स्टेज पे, पीपल शुड लर्न कि आपकी तरह कन्विक्शन के साथ करना चाहिए एंड यू कैन एक्चुअली प्रोपेल द स्टेज परफॉर्मेंस बाय नॉच हायर, जो आप लोगों ने किया। तो जजेस इस परफॉर्मेंस को आप क्या स्कोर देंगे? सुहेल 9 points, वाओ। एंड अर्चना 10 points फ्रॉम अर्चना, एक्सेलेंट, जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम सुदेश एज बाबा जोकानंद, राखी एज दासी एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। बस हो गया, बहुत बोर हो गया, आइए बैठिए बैठिए, आइए विराजमान होइए। हाँ, यहाँ कुर्सी किसने रख दी इसको? सब लोगों को मेरा नमस्कार, बहनों और जीजों। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने भाइयों क्यों नहीं कहा। वो क्या है ना, इस शो में जो भाई है ना उसको कितना भी प्यार से भाई बोल लो, फिल्म में काम कभी नहीं देता। और जीजे के साथ मैं बोल बच्चन तो कर ही चुका हूँ। पुत्र? हाँ बाबा। अब ये चापलूसी थोड़ी बंद करो, जो करने आए हैं वो करो। पैसे दे दो हमारे, पैसा दे दो, पैसे दे दो हमारे। अच्छा अच्छा, ओके ओके बाबा। खैर भक्तजनों, बाबा हमारे बहुत अद्भुत हैं और बहन के टको यहाँ जितने लड़के बैठे हैं मेरे को मालूम है कि बाबा से ज्यादा उनकी नजर उनकी शिष्य पर है। ये देखिए इसको। अरे इस पे ज्यादा नजर मत रखो, ये मेकअप करके आई है। बिना मेकअप के देखोगे ना हल्का हल्का दाढ़ी वाला सुग्रीव लगता है ये। खैर मेरे बाबा तो महान है। बाबा के बारे में क्या कहूं, 3 साल पहले मैं अपनी समस्या का हल लेने आया था बाबा के पास। अब देखो बाबा का प्यार और आशीर्वाद, 3 साल से मैं बाबा के साथ ही हूं। क्योंकि मैंने कहा बाबा जब तक आप मेरी समस्या का हल नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा यहां से। इस कुत्ते ने 3 साल से नहीं बताया मेरे को। बाबा के बारे में क्या बताऊं, बाबा हमारे बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा कुछ बताइए ना।
आज मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान तपस्या कर लेता है, भरपूर तपस्या, हाँ जी, तो मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि बड़े से बड़ा पत्थर रख के मैं ऐसे टक्कर मार के अपना सर फोड़ लेता हूँ। मैं बोलूँ, हाँ जी, मैं बोलूँ, मुझे यहाँ पे क्या सिर्फ पंखा करने के लिए रखा है? पुत्री, एक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, पंखा करो या ना करो, बीच में उंगली मत करो। बेटा, हाँ? अब ये मेरी तारीफ बहुत हो गई, बाहर भक्तों की बहुत बड़ी लाइन लगी, उनको एक एक करके अंदर भेजो। बाबा सुनो, कुछ नहीं, शौचालय, बहुत लोग टॉयलेट करने के लिए आए हैं वहाँ पर। बाहर देखो, अगर रश थोड़ा कम है, हाँ? तो मैं भी करूँगा। मेरी लाइन कब आएगी बाबा? अरे देख लो बाबा, आपको करने की क्या जरूरत है, पूरे एक्ट में यही तो करती रहेगी। आप संभाल लो इसको, मैं आता हूँ बाबा। ओके बाय। बाबा आप ऊंचे नन्ही से बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे। खैर तुम ये बताओ कि मेरी दासी बनकर तुम खुश तो हो ना? बाबा बाबा, आई एम सो लकी बाबा कि मैं आपकी दासी हूँ बाबा, आई एम सो लकी। अगर ऐसे ही दो मिनट और बैठी रही तो मैं भी लकी हो जाऊंगा। तुम तो बहुत लकी हो, कभी हमारे बारे में सोचा? हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ है, हम हर वक्त डरे रहते हैं, इधर तुम लाइन भूली इधर एक्ट घुसा, इधर लाइन भूली इधर एक्ट घुसा, तुम इतना भूलती क्यों हो पुत्री डार्लिंग? भूलती उलती क्या, भूलती उलती, आपने मुझे कहा था कि अगर मैं आपकी दासी बन जाऊंगी तो मुझे सक्सेस मिलेगा, अब तो मैं आपकी दासी बन गई, कहाँ है सक्सेस, कहाँ है सक्सेस? तुम्हें कितना सक्सेस चाहिए? ये 3 रुपए का मुंह दिखा के लाखों रुपए कमा रही, और तुम्हें क्या चाहिए? खैर हमारे कुछ भक्तों के खत आए हैं, वो पढ़े जाएं, हमें उनके दुख सुनाएं। हाँ बाबा, आपके इतने भक्त हैं, देखिए उनकी कितनी समस्याएं हैं। ये पहला खत आया है, हाय लोग अर्चना जी को मर्द मर्द कहते हैं, इनका क्या हल है बाबा? इनका एक ही हल है, जो यहाँ का प्रोड्यूसर है कॉमेडी सर्कस का, उनके गेट के आगे रोज कूड़ा फेंक दे। हाय, कूड़ा फेंकने से उन्हें मर्द कहना बंद कर देंगे? ये तो मुझे पता नहीं, मेरी पर्सनल खुन्नस निकल जाएगी प्रोड्यूसर से। बाबा मेरी अपनी पर्सनल बहुत प्रॉब्लम्स है, उसे हल कीजिए ना, कीजिए ना प्लीज। ये होंठों वाली जो है, होंठ ऐसे रहेंगे, इसका कुछ नहीं होगा। बाबा आप सुन तो लो। हाँ। वो क्या है ना बाबा, ये जो सोहिल है ना, मुझे बिल्कुल भाव नहीं देता। देखो अगर तुम ठीक ठीक भाव लगाओगी तो फिर तो साथ देंगे। ये मेरी बात, हेलो सुनो सुनो, मेरा मतलब तुम 10-10 लाख रुपया शो का मांगती, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता। अरे बाबा को मैंने इतने टाइम बाद देखा। बाबा बाबा बाबा, I love you, बाबा बाबा बाबा, कहाँ चले गए थे बाबा? ये कौन बुला रहा है? वो कुछ कह रहा है। हाँ बोलिए। बाबा मैं हूँ। मेरे को मालूम है आप ही बाबा है। हाँ। लेकिन क्या ये 6 एपिसोड के लिए आई है ना? अब यही मेरा बाबा है, यही मेरी बेबी है। बाबा मैं दूंगा इससे क्यों मांग? खैर बाबा, बाबा मेरी बहुत सारी समस्या है बाबा। बोलो पुत्र। बाबा ये बताइए, ये बोल बच्चन फिल्म जो आ रही है बाबा, ये हिट होगी कि नहीं बाबा? देखिए ये जो ये है क्या, बोल बच्चन क्या होता क्या है? बाबा आपको नहीं पता, जयपुर में जिसका सेट लगा है, अर्चना जी भी उस फिल्म में है, और सबसे ज्यादा अच्छा काम तो कृष्णा ने किया है। देखो हिट तो होगी ही होगी। हाँ। ये सुपर हिट भी हो सकती है। सुपर हिट हो सकती है बाबा, कैसे? अगर डायरेक्टर शेट्टी साहब को कहो कि सुदेश लहरी साहब का एक सीन करवा दो। अरे ये सुपर हिट क्या, ये तो सुपर डुपर हिट हो सकती है। अच्छा कैसे? जरा शेट्टी साहब को बोलो कि राखी सावंत का आइटम भजन रखे। अच्छा आपका सीन डलवा दे, इनका भजन रखवा दें। तो एक काम करते हैं, म्यूजिक पिंकू का ले लेते हैं, है ना? अबे सालो वो बोल बच्चन बना रहा है, बोल ढक्कन नहीं बना रहा जो तुम लोग ढक्कन के। हाँ। देखो जिस काम के लिए आए हो वो करो। हाँ तो चल अंदर। हे अच्छा नंबर दे दो, नंबर दे दो, इससे पहले ये कुछ बोले नंबर दे दो, खत्म करो। तो सुहेल, बाबा जोकानंद की पेटी में आप कितने पॉइंट्स डालना चाहेंगे? आज जो था ये एक ऐसा एक्ट था जो किसी के ऊपर नहीं था,
ये सब कैरेक्टर जो थे वो सब कैरेक्टर नए थे। और राखी एक बार फिर से बाबा बोल दो ना। बाबा। लेकिन आप एक ऐसी टीम है जिसका मुझे लगता है कि आप हर एक्ट में एक इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। एंड राखी वेलकम टू कॉमेडी सर्कस अगेन। और मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही एक हो जो हु कैन गिव देम द रन फॉर देम मनी। थैंक यू सर। अर्चना, एज अ टीम आप तीनों बहुत ही पावरफुल टीम हो, और इस स्टेज पर जो वजन आप तीनों का होता है, राखी आई काउंट यू एज मच ऑफ अ वजन एज कृष्णा एंड सुदेश, एंड यू लुकिंग गॉर्जियस। मटेरियल थोड़ा हल्का था इसलिए एक्ट उतना नहीं उभर के आ पाया, लेकिन आप तीनों की प्रेजेंस एंड योर टाइमिंग इज अमेजिंग एज ऑलवेज। तो जजेस, इस एक्ट को आप क्या स्कोर देंगे? आई थिंक द स्कोर शुड बी And the romance goes on. Romance always. 8 points from Archana and from Suhail. Train में जब टिकट कंफर्म ना हो पाए और ऊपर से टीसी आ जाए तो बहुत टेंशन होती है, लेकिन जब पैसेंजर हो कपिल तो खुद टीसी की टेंशन बढ़ती है। प्लीज वेलकम कपिल एंड शिमोना एज पैसेंजर्स एंड VIP एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो, ओह माय गॉड, एक तो मेरी अर्जेंट गर्लफ्रेंड का बर्थडे अमृतसर और मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो रही। हाँ भैया, अर्चना जी, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और मेरी टिकट नहीं कंफर्म हो रही। इतना जरूरी काम, पिछली बार कंफर्म हो गई थी, इतना जरूरी काम भी नहीं था, दादी की डेथ हुई थी। मैंने उनको बोला तब कर दिया, आप कर नहीं रहे। आपको कोई जानता रेलवे में? नहीं, उधर भी नहीं जानता कोई। आप ना झूठ बोलते हो, मेरे को किसी ने बताया है कि आप पहले रेलवे में काम करती थी। नहीं, ये एक्चुअली जज वज बाद में बनी है, पहले ये करती थी, रेलवे वाली पटरी नहीं होती उसमें हथौड़ा मार के सीधी करती थी। एक बार इनका झगड़ा हो गया प्रमीत से, प्रमीत का गुस्सा पटरी पे निकाल दिया, इतनी जोर से हथौड़ा मारा और बैंगलोर से ट्रेन आ रही थी, यूं यूं करके ट्रेन यूं यूं करके हो गई। खैर मैं टीटी को देखूं, ओ माय गॉड, ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी, मेरी तो टिकट भी नहीं कन्फर्म, ट्रेन कैसे चल पड़ी? ओ माय गॉड, भाग के पकड़ता हूं, मैं भाग के पकड़ता हूं। ओ गॉड, मैं तो ट्रेन से आगे आ गया। एक सेकंड, ओ माय गॉड, अरे थैंक गॉड, चढ़ गए चढ़ गए। ट्रेन रोको, बेवकूफ बना रहे थे लोगों को। पीछे सारी ट्रेन खाली पड़ी, 16 डिब्बे उसमें चढ़ जाती, इतनी आगे भाग के जा रही थी। थैंक गॉड, आज तो गाड़ी छूट जाती। गाड़ी छूट जाती उस दिन कृष्णा के साथ जो तेरी साड़ी छूट रही थी वो। वेरी फनी, ओके। बकवास बंद करो और ये बताओ। नो, दैट्स नॉट द लाइन दिस टाइम। चल चल एक्ट कर। नो, चल चल लाइन देखो क्या तुम यहाँ से, प्लीज हटो, मुझे सामान एडजस्ट करना है। सामान एडजस्ट करना है? एक तो टिकट वेटिंग पे, ऊपर से पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। तुम्हारी टिकट वेटिंग में है? हाँ, तो एक काम करते हैं, इधर चद्दर बिछा के ना हम लोग हक करके सो जाते हैं, सफर का पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें क्यों हक करूं? मैं दिमाग खराब है तुम्हारे, अनजान आदमी को मैं हक करूंगी? तो वो तेरे मामा का लड़का था कृष्णा, उसको क्यों किया था फिर? सुनो, टिकट तो तुम्हारी कंफर्म नहीं है, सारा सफर खड़े होके करोगे फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं सोच रही थी अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ देर के लिए आपकी सीट पे बैठ जाऊं। नहीं नहीं, जेंट्स टॉयलेट में नहीं अलाउड लड़कियां। क्या मतलब? मेरा मतलब है मेरी टिकट भी कंफर्म नहीं, मैंने सोचा जेंट्स टॉयलेट में बैठ के चले जाएंगे। मतलब आप ही वेटिंग में? इन रेलवे वालों ने वेटिंग लोगों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया? ये अंदर पानी भर के रखा है बाथरूम में। क्या? टीटी कहाँ है? मेरे को क्या पता टीटी, मैं कोई पायलट हूँ, मेरे को क्या पता? पहले ट्रेन चल रही थी, ब्रेक के कुत्ते की आवाज क्यों निकाली तुमने? ये कोई नहीं, मिमिक्री वाला है टीटी बन के। हेलो टीटी, देखा कहीं? अरे इतने बड़े बड़े दादू ने तुम्हें ट्यूशन जाने याद आ गया? तुम टीटी हो? हाँ। ये ट्रेन तो पक्का है इलेक्ट्रॉनिक होगी, बिजली वाली ना? क्यों? कोयले तो टीटी बने घूम रहे हैं। देखो बकवास बंद करो, एक बात बताओ। ओए तेरे को शर्म नहीं आती? लड़की की लाइन ले रहा है, बच्ची अबला नारी की। बकवास तुम बंद करो, इडियट कहेगा। देखिए आप इनके बातों में ध्यान मत दीजिए,
मेरी टिकट वेटिंग पे प्लीज मुझे सीट दिलवा दीजिए। पहले टिकट बताइएगा। ये लीजिए। एक काम करो, एस टू में सीट नंबर 10 पे जाके लेट जाओ। ओए, उस सीट पे मैं जाऊंगा, पहले मैं आया था, मेरी टिकट कंफर्म करो। क्या मतलब है? टीडी ने मुझे सीट दिया, मैं बैठूंगी। टीडी तेरा मामला था, मैं जाऊंगा सीट पे। नहीं, मैं बैठूंगी। मैं, मेरी बात सुन ले, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता हूं, मैं सीधा मुक्का मार देता हूं औरतों को। और तुम लोगों का बेड़ा करके, तुम्हारे पास अगर 12 साल गिर जाएगा नीचे तेरा, अगर तुम्हारे पास सीट नहीं होती तो क्यों देते हो टिकट तुम लोगों को? अरे देखिए देखिए, मैंने कहा झगड़ा करना बिल्कुल मना है, मैं पहले कहता हूँ। अगर एक बात बैठिए, आराम से बैठिए भाई, इतनी प्रॉब्लम क्या है ये बताइए? आप दोनों को जाना खबर है लुधियाना अमृतसर, लेकिन ये ट्रेन तो हैदराबाद जाती है। क्या? तो कोई बात नहीं, मेरे पास लुंगी है। अच्छा सुनो, हैदराबाद जाती है ट्रेन? हाँ जी। हैदराबाद से ऑटो मिल जाएगा अमृतसर के लिए? नहीं मिलता ऑटो बिटो। नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं। तो एक काम करिए आप, अब ट्रेन हैदराबाद ले जाएं, एक डिब्बा काट के हमें दे दें, हम अमृतसर ले जाएंगे। मैं इनको छोड़ दूंगा। भाई ट्रेन को कैसे काट सकता हूँ मैं? तो ये गन्ना चूसने के लिए रखे, इससे काटो। अरे मेरा मतलब है, मैं अपने दांत से ट्रेन को कैसे काटूं? तो फिर हमने टीडी क्यों बनाया? टीनू नंद को फिर नसीरुद्दीन नहीं बना लेते हम लोग? गुनाह है, ट्रेन को काटना गुनाह है, उससे खाना 10-20 गुनाह है। इतने गंदे मुंह से नसीरुद्दीन की आवाज निकालना ये कोई पुण्य का काम है? ये भी गुनाह है। अरे बेवकूफ लोगों के बीच में फंस गया हूँ मैं आके। अच्छा, इससे अच्छा तुम दोनों उसमें चले जाते हो। उसमें? किसमें वे? अरे वो है ना, कर ले करा, लैंडिंग करा साले, इसकी लैंडिंग करा। तेरे को हर बात में पहले तेरे को याद नहीं होता क्या चला रहा है? तुमने एक ऑफिसर पर हाथ उठाया, मैं मां कसम मैं यूं गया और पुलिस को लेकर आया। बस तुम लोग रुको बस अभी। मैं इसीलिए चक्कर में ट्रेनों में जाते नहीं। मैंने तो जहाज की टिकट बुक कराई थी और गलती से की करा ली मैंने। उनके बेचारों की इतने बुरे हाल है ना। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ स्टैंड अप नहीं कर रहा हूँ। इतनी बुरी हालत होगी बेचारों की, फ्लाइट उनकी एयर होस्टेस आई, कहती यात्री गण कृपया ध्यान दें, जाते हुए अपने मोबाइल और पर्स वगैरह भूल जाए, हमारा कुछ भला हो जाएगा। कहती यात्री गण कृपया अपनी अपनी बेल्ट सीट से बांध दे ताकि सीट गिरे ना। कहती थी ऑक्सीजन मास्क नहीं मिलेंगे क्योंकि हम लोग बाई रोड जाएंगे। फिर कह रही थी इमरजेंसी गेट जो तो कभी खोलना ही नहीं है, जितनी मर्जी इमरजेंसी हो कहीं आप गेट खोल दो, बैंक वाले हमारा लोन वापस लेने आ जाए। और यही भी कह रही थी, कहती यात्री गण की लोग बता दें कि आज हमारी जो उड़ान है उसके पायलट हैं सोनू। पहले तो सोनू मान ही नहीं रहा था, फिर हमने समझाया कि भैया चला के देख एक बार, तेरा हाथ खुल जाएगा और ऑटो से भी पैसे ज्यादा मिलेंगे। होगी बकवास बंद। हो गया? हाँ। मैं सो रही हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करना। अरे एक काम करना, मुंह मेरे कंधे पे रख के सो जाओ ना। हाउ डे यू, मैं क्यों अपना सिर आपके कंधे पे रखूं? तो गोविंदा का बंदा तेरे को गोदी में उठा के घूम रहा था तब नहीं तेरे को ये बताया चला? अपने आदमी का भला नहीं करती? इतने एक्ट कर लिए मेरे साथ। अपने आदमी का भला। नाम पे संदे को कोई दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा। ए चल आगे निकल, खुला नहीं है। उसको पैसे देना भी मत, ये सब ना अंधे होने की एक्टिंग करते, अंधे होते नहीं है। साहब ये आइटम को ना बहुत जबरदस्त लग रही है ये। अंधा ये तेरे को आइटम बोल रहा है। ऊपर वाले की एक तरफ से कुछ दे दो बाबा। ए चल ना, जा ना, सोने दे ना भिखारी कहीं का। ए भिखारी किसको बोले? तेरे को बे। और कौन लग रहा है हम दोनों में से? खुद के पास छुट्टा पैसे नहीं, मेरे के भिखारी बैठती है, तू दे भिखारी। अबे जा रहा, मेरे पास नहीं है। देना पड़ेगा तेरे को। मेरे पास भीख नहीं, मैंने खुद नहीं मांगी, 4 दिन हो गए। इसको ले जा। भिखारी है, रद्दी वाला नहीं है। देने का तो दे, बोल सीधा बोल। तो मेरी बात सुन, तू क्या बार बार पैसे पैसे मांग रहा है? तू पैसे निकाल जो मेरे दादा से लिए थे, जो तूने मेरे पैसे निकाल। कौन सा दादा? अबे तू रोज ट्रेन में भीख मांगता है? मांगता हूँ। मेरा दादा भी रोज सफर करता था। करता है। कभी ना कभी तो लिए होंगे तूने। अरे नहीं लिए। पैसे निकाल बे। पैसे निकाल। एक मिनट। क्या इसके दादा ने मेरे को एक चीज दी थी, वो देने क्या दी थी बे? एक मिनट। ये दी थी तेरे दादा ने? मेरे दादा ने थप्पड़ दिया था। हाँ झूठ बोलता है, दादा तो टुंडा था, उसने ये दिया होगा। ये दिया होगा। मेरी लाइन भी लाओ। तेरे को शूटिंग पे ले, इतना कम है, लाइन लाओ तेरी।
माय गॉड, कोई नहीं जाएगा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, चोर लूटो चे लूटो बता के लगी रहा तेरी शक्ल से। ये देखा तू चिंपू है, तू बंटी है। हाँ तू कब छूटा आगरा से? परसों। अच्छा, और तू? मैं तो भाग के आया हूँ। फटाफट खींच, टाइम क्या ले रही है? आगरा के पागल खाने से भागे पागलों की तलाश। मेरा नाम भी है। तू भी पागल है? वाह, तो बड़ा अच्छा एंड हुआ। बैठ जाओ, इधर बैठो। एक्चुअली ना पता क्या, आप आराम से बैठो, अपने घर है। हम लोग कोई पागल वागल नहीं है, पागल ये लोग हैं, हर हफ्ते आ जाते हैं देखने। जज बने फिरते, ये नहीं कि हमें अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दे दे। हम लोग तो फिर पागल बना ही करेंगे। मैं तो कहता हूँ भाई रेलगाड़ी बना के चले, उधर जाके बैठे। इन्होंने देना, तुम इंजन बनो, ठीक है? हम लोग गाड़ी बनते हैं। अरे भाई वापस आ जाओ। नहीं नहीं, हमें कौन सा वहां पे आके कुछ मिलना है। आओ वापस। तो अर्चना, क्या कहेंगे आप ये तीन पागलों के बारे में? एक्ट इरेटिक था, कभी कभी धक्का मुक्का से स्टार्ट हो रहा था, कहीं कहीं रुक रहा था, लेकिन इसमें आप तीनों की एनर्जी, वीआईपी आपका अंदाज, और फिर बीच में आप भिखारी भी थे, लेकिन आपका टिनू आनंद बहुत बढ़िया था। वेरी नाइस। बट कपिल, यू वर वंस अगेन फैबुलस। थैंक यू। वेरी नाइस। सुहेल, आप में इतना टैलेंट है कि आप लोग गड़बड़ करके भी ओके, you can never be bad, you're always still very good. Thank you, Sohail. So Sohail, aap is act ko kitne points denge? My side. 8 points. Thank you, Sohail. Archana? Sohail has given 8, but I'm going to give a 9. Oh, thank you. पूरे इंडिया को हंसाने का पेशा हमने लिया है और ये पेशा हम करते रहेंगे। कल फिर आएंगे हंसी की मारामारी लेकर। ओनली ऑन डाबर बबूल प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।